हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डिस्टेंस इंक्रीजेस वैल्यू। डिस्टेंस से आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इसको मैं डीपली बात करना चाहूँगा, ये क्यों होता है ऐसे। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है? क्या आप उनको कॉल करें, मैसेज करें, उनको चेस करें, इससे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है? नहीं, क्योंकि जो नेगेटिव मेमोरीज हैं वो और नेगेटिव होती जाएगी। जो आपकी अहमियत आप खो चुके हैं वो और खो देंगे। उनको लगेगा ये मुझे ये चेस क्यों कर रहा है, यकीनन मेरे अंदर कोई बात है। उनके दिमाग में ये सिग्नल जाता है। तो जब आप उनको स्पेस देते हैं तो अचानक से उनको रियलाइज़ होता है कि यार अच्छा, मैं इतनी भी कोई ख़ास नहीं हूँ, मे बी वो शायद अच्छा हो। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है दे स्टार्ट मिसिंग यू, और उनको भी अपने फैसले के ऊपर शक होने लग जाता है कि क्या मैंने फैसला सही लिया या गलत लिया। सो इसलिए डिस्टेंस देना एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, डिस्टेंस नेगेटिव यादों को मिटा देता है। जब आप उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो वो सारी नेगेटिव यादें जो उनके दिमाग में आपके बारे में थी, नेगेटिव हरकतें, बातें, वो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। ठीक है, एज अ ह्यूमन हमारा माइंड अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ओवर द टाइम मिटा देते हैं अपने दिमाग से और पॉजिटिव चीज़ों को रख लेते हैं। इसलिए जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है इंसान, तो हम उसकी अच्छी अच्छी बातें याद कर रहे होते हैं कुछ टाइम बाद, क्योंकि नेगेटिव यादें हमारे दिमाग से मिट जाती हैं, और ये अच्छी बात है। वरना अगर ऐसा ना होता तो हम ज़िंदगी में कभी किसी को माफ़ ही ना कर सकते। हम इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चले जाते, क्योंकि एक बार हमें अगर कोई बोल देता तो वो हमारे दिमाग से मिटता ही नहीं, और इस चक्कर में हम ईगोइस्टिक रहते और कभी माफ़ नहीं करते और अपने आप को ही दुख देते रहते अंदर। क्योंकि एंगर किसी के ऊपर करना अपने आप को नुकसान पहुँचाना है। तो एंगर एक डायनामाइट है, ठीक है, जो जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता मरते हो। एक आहिस्ता आहिस्ता वो जाके फटता है, इन दी एंड आपको उसका नुकसान होता है। सो ये ऐसी चीज़ है जो आप रखते किसी और के लिए लेकिन रखते अपने अंदर है, तो इसलिए वो आप ही को नुकसान पहुंचाता है, ये एक जहर है। सो इसलिए स्पेस देने से ये जहर कम होता है। ठीक है, नेगेटिव यादें मिटती हैं उनके दिमाग से और वो आपको और ज़्यादा अहमियत देते हैं। और सेकंड, ये चीज़ कि डिस्टेंस से वैल्यू इसलिए भी बढ़ती है कि लोग आपको तब मिस करते हैं जब आप अवेलेबल नहीं होते ना। अब मैं किसी सेलिब्रिटी से मिलना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है कि मेरी औकात नहीं है मैं उससे मिल सकूँ। ठीक है, वो बहुत अमीर है, उसकी सिक्योरिटी है, वो बिजी पर्सन है, तो इसलिए मैं मिस करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं मिस, लेकिन अगर वो सेलिब्रिटी हर टाइम मुझे अवेलेबल हो, वो कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस या सिंगर या क्रिकेटर जिससे मैं मिलना चाहता हूँ वो हर टाइम अवेलेबल हो, या मेरी फैमिली मेम्बर हो, तो मैं उसको उस तरह अहमियत थोड़ी दूंगा जिस तरह दुनिया उसके अहमियत दे रही होगी। मैं सोचूंगा अच्छा यार मेरा भाई तो है या मेरा फैमिली मेम्बर तो है। सो है तो ये भी दूसरों जैसा ही, क्योंकि आप उसको जानते हैं करीब से, आप उसके वीक पॉइंट भी जानते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी से बहुत क्लोज होते हैं तो वो आपके वीक पॉइंट भी जानने लग जाते हैं और इसलिए आपकी अहमियत कम हो जाती है। और जब आप दूर जाते हैं तो फिर उनके दिमाग में शक पैदा होता है कि अब आप चेंज तो नहीं हो गए, अब आप कैसे दिखते होंगे, अब आजकल आप क्या करते होंगे, पहले तो मुझसे बात किया करता था, आजकल क्या करता होगा। तो क्यूरियोसिटी जागती है, और क्यूरियोसिटी जागती है तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, फिर वो डिटेक्टिव बनते हैं, आपकी लाइफ में घुसते हैं और आपके पास आते हैं। सो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बस ये कहूँगा कि जब कोई रियलिटी में आपका रिलेशन ख़राब हो जाए तो उसको स्पेस दें, ताकि वो डस्ट जो है वो सेटल हो जाए। जैसे तूफ़ान आता है तो उस तूफ़ान में अगर आप घर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो दोबारा से गिर जाएगा। सो इसलिए तूफ़ान को जाने का इंतज़ार करें, डस्ट को सेटल होने दें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना स्टार्ट करें साथ साथ, और फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।